सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी भाइयों को। सो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ब्लॉग में तो नक्की नहीं किया था हम कौन सा फ़ोन ले आएंगे, पर हम सैमसंग का ले थे। पर इस बार हम नक्की करके जा रहे हैं कौन सा फ़ोन लेकर ही आएंगे हम। सो मैं फ़ोन ला रहा हूँ रियलमी 11X, ठीक है, जो कि मैं अपने भाई को गिफ्ट करूँगा, आसू भाई को। सो थंबनेल में तो आपने तो देखा ही होंगे आसू भाई कौन है हमारे। सो कैमरामैन जो है हमारी वीडियो के, जो मेन किरदार है हमारी वीडियो के, कैमरामैन जो है, ठीक है, जिनकी वजह से हम ब्लॉग बनाते हैं और जो जिनकी वजह से हमारी वीडियो शूटिंग होती है। सो हम उनको रियलमी 11X शॉप वाले से बात हो चुकी है हमारी, जिससे हम फ़ोन लेने जाएंगे। सो उससे फ़ोन ला रहे हैं, तो सारी प्रक्रिया होगी। वो हमें फ़ोन पड़ा है हम आसू भाई के लिए, देखो पैसों की वो टेंशन नहीं लेते, हमें वो फ़ोन पड़ा है 22,000 का। सो हम उन्हें गिफ्ट करेंगे वो फ़ोन। सो गिफ्ट देख के आसू भाई बहुत खुश हो जाएंगे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आसू भाई खुश होंगे, हमें हमारे आसू भाई को फ़ोन मिला है। सो हम उन्हें फ़ोन गिफ्ट कर रहे हैं। सो अपना प्यार बनाते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो गाइस देखिए अपने फ़ोन की अनबॉक्सिंग हमने लिया है क्योंकि हम पे पैसा है। सो गाइस देखिए ये अपना फ़ोन जो कि इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, बिल्कुल नया है ये, रियलमी का लिया है हमने। आपने पिछले फ़ोन की अनबॉक्सिंग तो देख ली होगी वीडियो, सैमसंग का लिया तो भी हमने, इस बार हमने लिया है रियलमी का 11X 8128 में है, 5G फ़ोन है, ये देख सकते हो रियलमी 11X 5G। इसका बहुत अच्छा 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 33 वोल्ट का चार्जर है, 5000 mAh की इसकी बैटरी है, और देख सकते हो 8128 में है, ये देख सकते हो गाइस। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, ये देख सकते हो ये यहाँ से कट चुका है, इसमें सिंगल एक ही तरफ आया था, और ये देख सकते हो ये निकल चुका है, हमें गिफ्ट के साथ में मिला था, ये लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगा। अब देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है हमारा 11X रियलमी 5G, ये देख सकते हो इसका पूरा प्रॉपर तरीके से खोलने के बाद में ये डब्बा निकला है, और ये देख सकते हो सबसे पहले हमें इसमें रखा हुआ मिला है ये पिन है, ये सिम निकालने की, ये देख सकते हो इसे हम साइड में रखते हैं, और कवर मिला है हमें, ये कितना अच्छा कवर है, ये फोल्डिंग भी हो रहा है, वाइट ब्लैक कलर में कवर है ये हमारा, ये लुक भी बहुत प्यारा है, इसको भी साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा फ़ोन, फ़ोन को तो हम बाद में निकालेंगे, पहले ये देखते हैं ये, अच्छा ये फ़ोन के पीछे सपोर्ट का है कवर का, और देख सकते हैं इसमें चार्जर मिला है हमारा, ये रहा ये 33 वाट का चार्जर है इसमें, यहाँ पर देख सकते हो फास्ट चार्जर है ये देख सकते हो, और इसकी क्लिप पिन है ये, इसमें टाइप सी की पिन है, इसको हम ऐसे लगाते हैं, ये चार्जर लगाते हैं तो चार्ज होता है, फ़ोन टाइप सी का है देख सकते हो तुम लोग। एक एयरफोन भी है ये इसमें, ये देख सकते हो, वैसा तो फ़ोन में बहुत ही कम एयरफोन आती है, पर हमारे फ़ोन के साथ में एयरफोन आई है क्योंकि हमारा स्पेशल फ़ोन है, VIP फ़ोन है, तो देख सकते हो ये रही एयरफोन, बढ़िया कंपनी की एयरफोन है, रियलमी की एयरफोन है, ये देख सकते हो। अब हम निकालते हैं अपना फ़ोन, हम इसको साइड में करते हैं, ये देख सकते हैं फ़ोन में क्या क्या आया हमारे, ये तो फ़ोन का डब्बा का कवर हो गया, और ये देख सकते हो क्या क्या आया इसमें हमारा, ये देखो रियलमी के बारे में दिखा रखा है, यानी कि फ़ोन कैसे कैसे चलता है, ये इसमें बता रखा है कैसे सिम गिरेगा, कैसे निकलेगा, किस तरीके से ये बता रखे हैं, ये फ्लैश है, यहाँ पे कैमरा है फ्रंट कैमरा, ये वॉल्यूम कम तेज़ करने का है, कम करने का, पावर बटन है, और फिंगरप्रिंट है, ये सब बता रखा है, तुम्हें तो पता नहीं होगा गरीबो, मैं ही बता देता हूँ तुमको, ये देख सकते हो रियलमी का फ़ोन है, और देख सकते हो हमारे फ़ोन का लुक कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए, ये देख सकते हो तुम लोग, ये देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो कितना प्यारा ये शेप दिखा रखा है, कैमरे का लुक कितना प्यारा दे रखा है, 64 मेगापिक्सल, ये देख सकते हो, और कितना पतला फ़ोन है ये हमारा, ये देख सकते हो टाइप सी का वो है वॉल्यूम है, और ये देख सकते हो ये यहाँ पे फिंगर भी आ गई इसकी, और वॉल्यूम का भी आ गया, ये देखिए ऑन ऑफ का भी आ गया, फिंगर भी आ गया यहाँ पर, ये वॉल्यूम के आ गए, ये देख सकते हो तुम लोग कितना प्यारा है यहाँ पर, ये देखिए ये मैंने ऑन कर लिया था, कोई बात नहीं, ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए अब इसको लॉक लगा दिया था, कोई नहीं ये हमारा लॉक खुल चुका है, ये 5G फ़ोन है, अभी इसमें मैंने सिम नहीं घेरी, अभी सिम घेरूंगा बाद में इसमें, ये देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इसकी ब्राइटनेस देखिए कितनी, ये इसका कैमरा देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए मैं इसमें इसे पीछे करता हूँ, और ये देखिए यहाँ से फ़ोटो खींचता हूँ, ये मैंने फ़ोटो खींचा, और ये देखिए कितना प्यारा फ़ोटो आ रहा है इसमें, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एक एक बर्ड क्लियर दिख रहा है, ये देखिए कितना क्लियर दिख रहा है इसमें, कितना प्यारा दिख रहा है, ये देखिए एक एक बर्ड क्लियर दिख रहा है इसमें यार, ये देख सकते हो तुम लोग रियलमी 11X 5G, ये देखिए RAM 8GB और इसकी वो है स्टोरेज 128GB,
ये देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर है। इसका प्रोसेसर भी बहुत कड़ा है, डायमंड का प्रोसेसर है इसका। और ये देख सकते हो तुम लोग, ये मैंने फ़ोटो खींचा है बैक कैमरे से, देख सकते हो कितना प्यारा फ़ोटो आया है। ये देखिए कितना बढ़िया फ़ोटो आया है। आपने तो कैमरा देख लिया, अब इसका एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसा नॉर्मल फ़ोन में इसका जूम करने का जो होता है वो 10x तक होता है, मैं तुम्हें इसमें दिखा देता हूँ 11x तक। इसका 20x तक है, ये देख सकते हो तुम लोग, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, 20x तक है। कुछ भी हो जाएगा लेकिन इसके पिक्सल नहीं फटने का, देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एक एक चीज़ क्लियर दिख रही है इसकी। ये देख सकते हो 20x तक कितना क्लियर दिख रहा है, ये देख सकते हो गाइज तुम लोग, ये देख सकते हो बिल्कुल पिक्सल एक भी नहीं फटने का इसका, एक भी पिक्सल नहीं फटने का, कैसा होता है ये देख सकते हो तुम लोग। बहुत प्यारा कैमरा है इस फ़ोन का। और ये फुल पर कर रखा है जरा इसको, जैसे कभी भी फ़ोटो खींचो तो फुल पर मत खींचा करो, 4.3 पे खींचा करो, उससे फ़ोटो और भी बढ़िया आएगा। ये देख सकते हो इसमें वीडियो क्वालिटी 1720 है, मैं देख सकता हूँ इसमें क्वालिटी कितनी कितनी दे रखी है। इसमें 720 और 1080 की पी है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है ये भी। और ये इसकी फ्लैश लाइट जल चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसकी फ्लैश लाइट दे रखी है। ये देखिए कितनी प्यारी बॉडी लग रही है, ऐसा लग रही है जैसे कि इंसान की दो आँखें हैं यहाँ पर। ये देखा चेहरा बहरा कितना अच्छा लग रहा है, इसने मुँह खोल रखा है, फ्लैश लाइट इस तरीके की लग रही है। ये देखिए इसमें 1+11R का लुक है इसमें, ये बहुत अच्छा लुक है इसमें 1+11R का। ये देख सकते हो, मैं कैमरे की फ्लैश बंद कर देता हूँ। और ये देख सकते हो स्ट्रेट कितना प्यारा स्ट्रेट है इसमें, और नाइट मोड भी दे रखा है ये देख सकते हो तुम लोग। और ये देखिए फ़ोटोज़ तो दे रखे हैं, पोर्ट्रेट मोड दे रखा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये देखिए पहले मैं तुमको इसमें नॉर्मल बगैर 64 का दिखा देता हूँ, नॉर्मल जो फ़ोटोज़ होते हैं वो इस तरीके से मैंने फ़ोटो खींचा, ये बगैर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये देख सकते हो इसमें मतलब बढ़िया आ रहा है फ़ोटो, ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। सो अब मैं इसमें 64 मेगापिक्सल में और फ़ोटो खींचता हूँ, ये देख सकते हो इसी तरीके से, ये मैंने 64 मेगापिक्सल में फ़ोटो खींचा, ये देख सकते हो कितना प्यार आ रहा है, बिल्कुल और भी ख़तरनाक लुक आ रहा है इसमें तो। ये देखिए तुम लोग, अभी वो तो मैंने जूम नहीं करा, अगर मैं जूम कर लेता तो और ख़तरनाक लुक आता है इसमें। वैसे तो 64 मेगापिक्सल में जो हाई लेवल का होता है उसमें जूम नहीं हो पाता। ये देखिए इसमें मोर में प्रो है, स्लोमो भी है, फिल्म भी है और टाइम प्लेट्स भी है। ये देख सकते हो इसमें अलग अलग फीचर आए हैं, ये देख सकते हो लाइन वाले आए हैं, ये हमें ब्लर वाला आया कि इस एंगल में ब्लर लेना है, इस एंगल में ब्लर लेना है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मोड आए हैं जो कि नॉर्मल फ़ोनों में नहीं मिल पाते। ये देख सकते हो फिल्म का इसमें एक अलग सी मोड आया है, ये देख सकते हो तुम लोग, इससे हमने फ़ोटो खींचा है, ये वीडियो बननी है हमारी। ये देख सकते हो कितने प्यारा लुक आ रहा है इसमें, ये देख सकते हो तुम, देख सकते हो ये हमारी वीडियो बन चुकी है इसमें, ये इस तरीके का इसमें वीडियो बननी। ये देखिए और इसमें मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, और इसमें ये टैक्स का है, इसमें भी तुम फोटो खींच सकते हो, स्कैनर का है इसमें, जो भी तुम फोटो खींचोगे जिस चीज़ का भी वो स्कैन हो जाएगा। बहरहाल अभी मैंने वाईफाई कनेक्ट नहीं कर रखी इसलिए इसमें स्कैन नहीं हो पा रहा, ये वो चीज़ है। और इसमें तुम टैक्स भी लिख सकते हो, और ये देख सकते हो एक ये दिखा रखा है इसमें गूगल का ऑप्शन है, गूगल लेंस का, इसमें ओपन करेंगे हम। ये मैंने ऑन करा, जैसे कि ये है डिब्बे पर ये स्कैनर दे रखा है, मैंने इस पर स्कैनर पर क्लिक करा ना, तो ये देखिए नेट भी नहीं गैर कनेक्ट है। ये देखिए स्कैन करते देखिए इसका पूरा बायोडाटा आ गया इस फ़ोन का कि कैसा है कैसा नहीं है, कुछ भी आप स्कैन करोगे उस चीज़ का आ जाएगा। अगर मैं नेट कनेक्ट करूँगा ना इसमें, जैसे वाईफाई कनेक्ट कर लिया, अपना सिम गेयर दिया, इंटरनेट चलाऊंगा, तो इसके बारे में पूरा आ जाएगा। ये देख सकते हो तुम लोग कैमरा वमरा इसका बहुत अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ इसके साउंड की, जैसे कि एक तो इसमें अमेज़ोन आया है, बहुत अच्छे अच्छे ऐप आए हैं, कैमरा, क्रोम, और इसमें ये देख सकते हो गूगल पे भी आया इसमें, होम होम वैसे तो तुम देख सकते हो, यूट्यूब वूट्यूब वगैरह ये तो नॉर्मली बात है, ये देख सकते हो तुम लोग यार रखे हैं प्यारे प्यारे लुक, ये इसके फंक्शन है। के साउंड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसका आपको साउंड सुनवाऊंगा मैं, पहले एक बार और देख लीजिए पीछे से कितना प्यारा लुक लग रहा है। अब मैं इसका आपको साउंड सुनवाता हूँ, इसमें माई फाइल, ये देख सकते हो माई फाइल मैंने ऑन कर ली यहाँ पर, और इसमें एक ये तो वीडियो अभी जो मैंने बनाई है वही वाली वीडियो है, और मैं इसमें आपको ऑडियो में गाना सुनाता हूँ। ये देख सकते हो ये सबसे पहले भाई देखो हम तो राम भक्त हैं, राम भक्त थे रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे राम भक्त। ये देखिए हमने इसलिए जय श्री राम गाना डाउनलोड करा है, ये देख सकते हो तुम लोग, मैं गाना चलाता हूँ, ये देख सकते हो बहुत अच्छा साउंड है इसका, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए ज़्यादा नहीं चला रहा। ये देख सकते हो
ये देख सकते हो तुम लोग, ये तो रियलमी की एक तो ट्यून आती है इसमें, मतलब कि हमें फ़ोन पे जो लगानी है। कोई बात नहीं, हम तो राम भक्त हैं इसलिए हम तो जय श्री राम की लगाएंगे। ये देख सकते हो 19.7 GB हमारी स्टोरेज भरी हुई आई है फ़ोन के द्वारा ही, मतलब अपना आप ही कंपनी के द्वारा ही भरी हुई आई है। और देख सकते हो तुम लोग ये फ़ोटो वोटोज़ वगैरह हमें खींचे हैं। ये देखिए, मैं कोई नहीं, मैं गैलरी खोलता हूँ इसकी। अब कितना प्यारा लुक लग रहा है, इसकी गैलरी कहाँ पर चली गई। ये भी तो ज़रा नया नया लिया है, इसके फंक्शन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हमें नहीं लगेगा। जैसे कोई नया फ़ोन लेगा उसको लगेगा, क्योंकि हमने तो सब कुछ चला ही रखा है इसलिए हमें सब कुछ पता है। ये देख सकते हो फ़ोन में एक नया फीचर आया है। ये देखिए, अगर हम फ़ोन इस तरीके से करेंगे तो देखिए इसके चारों तरफ एक गोल गोल लाइट सी आ रही है। ये देख सकते हो तुम लोग, ये अलग कोई, ये देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है लाइट। कोई बात नहीं, अब हम इसमें हमें ये फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं, इसमें फ़ोटोज़ देखते हैं कितने प्यारे प्यारे आए हैं। ये तो वही है जो हमने आप लोगों को दिखाया था। अब ये देखिए कितना डब्बे का भी कितना प्यारा आया था। और ये देखिए, अभी मैंने फ़ोटो खींचा था नाइट मोड में, ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए कितने प्यारे फ़ोटो लग रहे हैं, ये देख सकते हो तुम लोग। ये देखिए बिल्कुल क्लियर आ रहा है फ़ोटो, ये देखिए एक नंबर फ़ोटो आ रहा है इसमें, ये देखिए। और इसमें ये रिसाइकिल बिन भी दे रखा है, जैसे कि हमने फ़ोटो खींचे हैं जो 7 दिन के अंदर अंदर हमने 30 दिन का ऑप्शन मिलता है। जैसे ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो खींचा था, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हो तुम लोग, जैसे कि मैंने ये फ़ोटो डिलीट करा, ये नहीं, ये वीडियो मैंने अभी डिलीट करी, ये वीडियो मैंने डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद में अब मैं इसको यहाँ से रिकवर भी कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करके ये मैंने रिस्टोर करा तो ये वीडियो रिकवर हो चुकी है हमारी। ये हमारे सोमू भाई का फ़ोटो है, तुमने तो देखे नहीं होंगे, तुम देख लो। तुम इसमें रिकवर हो चुके, आ चुकी है हमारी वीडियो यहाँ से। बहुत अच्छे फंक्शन है इसमें, ये देख सकते हो तुम लोग, बहुत प्यारा लुक है। मैं तुम्हें इसकी फ्लैश और दिखा देता हूँ, वो तो कैमरे वाली फ्लैश लाइट जलाई थी, अब मैं इसको इसमें आपको इसकी फ्लैश दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, मैं इसका नीचे करता हूँ, ये फ्लैश का ऑप्शन दे रखा है, ये फ्लैश जल चुकी है इसकी। ये देखिए कितनी प्यारी फ्लैश आ रही है यहाँ पर, ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये आ चुकी है, फ्लैश बंद कर दी है मैंने। और ये एरोप्लेन मोड है, लोकेशन दिखा रखा है इसमें, ब्लूटूथ दिखा रखा है यहाँ पे। इसमें आईफोन वाला सिस्टम कर दिया इन्होंने, इसमें फ़ोन में जैसे कि म्यूज़िक का ऑप्शन आता है ना उसमें, यहाँ पे वो दिखा दिया, स्क्रीनशॉट का ये दिखा दिया, नियर बाई शेयर भी दिखा दिया इसमें, बहुत अच्छे फंक्शन है। ये देखिए क्यू आर स्कैनर भी दिखा दिया इसमें, बहुत अच्छा है। ये देख सकते हो, अब हम इसकी सेटिंग खोलते हैं। ये स्क्रीन फेस लॉक उस लॉक सब आ चुका है, सिस्टम अपडेट ये देख सकते हो, यहाँ पे साइन इन का आ रहा है, मतलब हमें आईडी बनानी है, नहीं बनानी है कोई नहीं, ये तो हम बाद की बात है, तो बाद का प्रोसेस है, इसको बाद में करेंगे। और अब आउट इसमें फंक्शन में जाता हूँ तो ये देख सकते हो, मैं मुझे तुम लोगों को ये दिखाना था, मेन चीज़ ये है, ये रियलमी UI, ये देख सकते हो। इस पर जैसे सिम गिरेगा या इंटरनेट कनेक्ट करूँगा तो इसमें अपडेट आ जाएगा ऑटोमेटिक ही, तो अपडेट करना पड़ेगा। ये देखिए स्टोरेज इसकी 128 है और 19.7 GB भर चुकी है इसकी, क्योंकि वो तो कंपनी द्वारा ही आई है इतनी भरी हुई, हमने इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करा। तुम देख सकते हो 5000 mAh की इसकी बैटरी है, ये देखिए, ये देख सकते हो। इसका स्क्रीन साइज है 17.7 cm, ये देखिए। इसकी रैम है 8 GB और प्लस 4 GB एक्स्ट्रा है इसमें अलग से, मतलब कि हम इसमें बढ़वा सकते हैं रैम, ये देख सकते हो, प्लस 4 GB अलग से बढ़वा सकते हैं, यानी कि हमारा ये 12 GB हो सकता है। और हम इसमें ये ऑप्शन भी मिलता है हमें इसमें, जैसे कि हम इसमें, मतलब कि ये चीज़ है इसमें, जैसे कि ये दिखा, ये तुम्हें दिखा रखा है ना इसमें, ये देखिए हमने एक लाइन कर दी, 8 GB बना दी हमने। अब हम इसको 6 GB भी रैम बना सकते हैं, 4 GB भी रैम बना सकते हैं इसमें, ये सिस्टम हो रहा है। ये देख सकते हो तुम लोग कि हम इसमें रैम बना सकते हैं। और ये देख सकते हो फ्रंट कैमरा है इसमें, ये आगे वाला 8 MP का, और पीछे वाला बैक कैमरा है 64 MP का, और इनमें से एक कैमरा है 64 MP और एक कैमरा है 2 MP का इसमें, ये देख सकते हो तुम लोग। इसका एंड्रॉयड वर्जन जो चल रहा है वो है 13, एंड्रॉयड 13 का वर्जन है इसमें। इसका जो अपडेट आया है 5 सितंबर 2023 को आया है। कोई बात नहीं, अब हम इसमें सिम गिरेंगे तो और अपडेट आ जाएगा इसका। ये देख सकते हो बहुत प्यारा लुक है यहाँ से हम इसको, इसमें ये भी अच्छा है जैसे कि हम इस चीज़ की इमेज शेयर भी कर सकते हैं किसी दूसरे फ़ोन में, ये इमेज शेयर कर सकते हैं। ये देखिए इसका नाम चेंज करके रख सकते हैं हम जो भी, हम अगर हमें इसमें अपना नाम रखना है तो हम वो नाम भी रख सकते हैं इसमें, नाम चेंज से। अब हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं, इसमें जो प्रोसेसर दे रखा है ये देखिए, मीडिया टेक डायमंट्री 600, ये देख सकते हो, प्लस है और प्लस, यानी कि अब हम इसमें बात कर लेते हैं गेमिंग की, तो इसमें गेम भी बहुत प्यारे प्यारे चलेंगे। जैसे पबजी की बात कर लेते हैं, जो बोलते हैं कि हमारा पबजी नहीं चल पाता, सो ये पबजी खेलने के हिसाब से, गेमिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया फ़ोन है। इसमें एक्सट्रीमरी पे आपका गेम चलेगा, HDR पे चलेगा आपका, ये देख सकते हो बहुत प्यारा है। इसकी डिस्प्ले देख सकते हो कितनी प्यारी चल रही है, मक्खन वाली इसकी डिस्प्ले चल रही है।
ये देखिए मैंने जैसे डायलिंग का खोला ऑप्शन, मतलब कुछ भी नंबर डायलिंग करा, ये देख सकते हो कितना प्यार सा आ रहा है, ये देख सकते हो तुम लोग। और इसमें फ़ोन मास्टर की बात कर लेते हैं, अलाउ कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, जो थोड़ा बहुत वायरस वगैरह से रहता है वो यहाँ से हो जाता है इसमें, ये देख सकते हो तुम लोग। टाइम जोन में ही आएगा ना ये, तो ये 24 घंटे वाला दिखा रखा है, तो मैं इसको 12 घंटे वाला कर देता हूँ। यहाँ से होएगा इसमें, यहाँ पे ये देखिए 8:18 हो चुकी है, ये देख सकते हो तुम लोग, इसमें सब कुछ हो चुका है। इसमें देखते हैं, वैसे तो नॉर्मल फ़ोनों में गेम भी आते हैं, पर हम इसमें देखते हैं गेम आए हैं नहीं आए हैं। इसमें जहाँ तक उम्मीद है इसमें गेम नहीं है, ये देख सकते हो इसमें गेमिंग का अलग से वो दे रखा है, मतलब कि प्रोसेसर ही दे रखा है कि गेम अगर हमें इसमें खेलने हैं तो। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे, ये देखिए पीछे इसकी पबजी की स्क्रीन बननी है, ये जो पीछे देख रहे हो ना 4D वर्जन है इसमें, ये देखिए कितना प्यारा है, पबजी की स्क्रीन बननी है, पबजी बहुत अच्छा चलेगा इसमें, ये देख सकते हो, ये हम इसमें गेम चला सकते हैं, बहुत हाई लेवल के गेम है ये, हम इसमें चला सकते हैं। इसमें गेम नहीं आए नहीं तो मैं आप लोगों को गेम खेल कर दिखाता, फेसबुक भी आई है, एगोडा ये। सो गाइज हमारे हिसाब से तो फ़ोन बहुत बढ़िया है इसमें, ये इसमें सब कुछ दे रखा है इसमें, ये देख सकते हो बहुत बढ़िया फ़ोन है हमारे हिसाब से, बहुत बेहतरीन फ़ोन है, कैमरा क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है, डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है, 17.7 सेंटीमीटर की डिस्प्ले है, बहुत बढ़िया है, 64 मेगापिक्सल कैमरा है। सो तुम्हें पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, जिसको परचेस करना है तो परचेस कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पर जो आईडी आपको दिख रही है ना, जो मेंशन हो रही है, ये भी आप सर्च कर लोगे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी आपको, वैसे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दे ही रखी है। सो मैं बताना चाहता हूँ जितने भी अपने बिजनौर से, खास करके जो बिजनौर से भाई हैं हमारे, सो वीडियो लाइक करा करो, कमेंट करा करो, चैनल सब्सक्राइब करा करो और वीडियो शेयर भी करा करो। हमने इस हफ्ते में 2 फ़ोन ले लिए, एक सैमसंग का ले लिया, एक रियलमी का ले लिया। हमने वो फ़ोन यस को गिफ्ट करा था, वो सैमसंग वाला जो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, ये रियलमी वाला यस भाई को गिफ्ट करेंगे। सो अपना तो ऐसी है, अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए। मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, इस पर किसी को मारो पीटो कुछ भी करो, बट चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मैं तो पता ही है अपने हेटर्स बहुत हैं, सो जितने भी हेटर्स हैं और जलो और हेट। मैं हेटर्स के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, आज तो फ़ोन लिया है, कल तुम लोगों को भी खरीद सकता हूँ, समझ रहे हो किसे कह रहा हूँ हेटर्स। सो भाइयों एक ज़रूरी बात बता रही है आप लोगों को, जैसी हमारी वीडियो 24 घंटे में 10 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करती है, और पर 24 घंटे में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, सो हम जो अच्छी अच्छी कमेंट करेगा हमारे, तो उसे रियलमी X8 128 GB में मैं गिफ्ट करूँगा। सो गाइज जय श्री राम, सभी भाइयों को की वीडियो देख ही ली होगी कैसी लगी, अनबॉक्सिंग देख ली होगी हमारे Realme 11X की 8128 में जो हमने लिया है ये फ़ोन। सो हम अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, जय श्री राम सभी भाइयों।